हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यामा FZ25 और FZS25 के बारे में। दोस्तों ये दोनों बाइक मार्केट में आ गई हैं, चाहें तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप इन बाइकों को ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लेने से पहले ये वीडियो देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। दोस्तों वीडियो शुरू करने से एक पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर हम बात करें FZS की जो स्टार्टिंग सीरीज की बाइक है आपकी FZ150 सीरीज वाली, तो अगर हम उसकी बात करें तो लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी इसका टायर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, ओवरऑल लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन वहीं परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इसके कंपैरिजन वाली बाइक्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी अगर हम पल्सर या फिर आपका अपाचे 160 से कंपेयर करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें FZ25 की, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है लुक के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा शानदार है। दोस्तों प्राइस की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें दो तरह के वेरिएंट मिलते हैं, FZ25 और FZS25। दोनों बाइक्स की मैं रेट की बात भी कर लेता हूं। प्राइस की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये पहले आपको FZ25 आपको 136,000 की मिलती थी, यानी 136,000 की मिलती थी, लेकिन अब आपको 152,000 की आपको मिलेगी। हाँ जी दोस्तों, यानी महंगी हो चुकी है BS4 वेरिएंट के मुकाबले। BS6 में ये बाइक काफ़ी महंगी हो चुकी है। और अगर हम बात करें कि ऑन रोड कितना प्राइस पड़ने वाला है, तो दोस्तों ऑन रोड ये आपको लगभग आपको 173,000 की पड़ जाएगी, यानी डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंगली रेट होगा, तो अप्रॉक्स आपको ये रेट पड़ने वाली है। और अगर हम बात करें FZS25 कितनी महंगी है आपका FZ25 से, तो ये लगभग आपको 157,000 की आपको पड़ने वाली है। और ऑन रोड की बात करें तो लगभग आपको ये 177,000 की पड़ जाएगी, यानी लगभग जो फर्क है, डिफरेंस है, वो है सिर्फ और सिर्फ 5,000 का। और 5,000 में जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं, यानी अगर मेरी माने तो आपको FZS25 ही लेनी चाहिए, FZ25 की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छे एक्स्ट्रा फीचर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले फीचर की बात करें तो वो है हैंडल गार्ड, नक्कल गार्ड। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, और अगर आपको पता हो कि ओरिजिनल नक्कल गार्ड कितने के आते हैं, तो आपको पता होगा कि ये नक्कल गार्ड की जो कीमत है 5,000 जो एक्स्ट्रा लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं इन फीचर्स में कंप्लीट हो रही है। तो एक इसमें आपको एक्स्ट्रा नक्कल गार्ड मिलने वाला है FZS25 में, और उसके अलावा आपको कलरफुल गोल्डन अलॉयज मिलने वाले हैं। यार गोल्डन अलॉयज ना दूर से ही देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये बाइक की जो लुक है ना, ग्रेस है, वो काफ़ी ज़्यादा उभर के आएगा गोल्डन अलॉयज में। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो आपको प्रीमियम कलर्स मिलने वाले हैं, यानी जो इसमें आपको कलर्स मिलेंगे आपको प्रीमियम मिलेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा देखने में शानदार होंगे। उसके अलावा आपको लॉन्ग वाइज़र मिलेगा, यानी आप ध्यान से देख सकते हैं आपको FZ25 में जो वाइज़र है वो छोटा है, और FZS25 में आपका जो वाइज़र है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लंबा है, और वो देखने में भी शानदार लग रहा है। और कहीं ना कहीं आप जब हाईवे रोड्स पे इसको चलाओगे तो आपको इससे बेनिफिट भी मिलेगा। तो दोस्तों ये थी चार फीचर्स की बात, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कलर प्रीमियम है, तो प्रीमियम कलर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले FZ25 के कलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों FZ25 में आपको मेटालिक ब्लैक मिलेगा और एक रेसिंग ब्लू कलर मिलेगा। और रेसिंग ब्लू की बात करें तो ये तो यामा का पेटेंट कलर है, मतलब लगभग हर बाइक में आपको रेसिंग ब्लू कलर देखने को मिल ही जाता है। और वहीं बात करें प्रीमियम कलर वाली FZS25 के बारे में, तो दोस्तों इसमें आपको एक मेटालिक व्हाइट मिलने वाला है, उसके अलावा डार्क मैट ब्लू मिलने वाला है, और डार्क क्यान मिलने वाला है। और तीनों कलर्स की बात करूं तो देखिए तीनों कलर्स में मेरा डार्क क्यान जो कलर है ना, वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अगर मेरी माने तो यही कलर आपको लेना चाहिए। और लॉइज वगैरह, गोल्डन वाइजर हो गया, नकल गार्ड हो गया, ये एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं, देखने में यार काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है ये वाली बाइक। दोस्तों एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं, उससे पहले मुझे लगता है कि मुझे इंजन के बारे में बात कर लेनी चाहिए। दोस्तों इसमें आपको 249cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलने वाला है, जो आपका 5-speed गियर बॉक्स के साथ काम करेगा। देखिए दोस्तों इस बाइक में आपको 5 गियर ही मिलने वाले हैं, यानी इसमें आपको 6 गियर नहीं मिलेंगे। पर्सनली मेरे हिसाब से बात की जाए तो 5 गियर सफिशिएंट है, जिस हिसाब से ये बाइक बनाई गई है 5 गियर इस बाइक के लिए बहुत है। दोस्तों वहीं बात करें हम इसके पावर फिगर की, तो दोस्तों इसमें आपको 20.8 bhp की पावर मिलने वाली है, और आपको टॉर्क की बात करें तो 20.1 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिलने वाला है। यानी पावर और टॉर्क की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी जो 150 सीरीज़ की आपका FZ आती है, उसके मुकाबले जो उसकी पावर टॉर्क है, परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आपको हिल्स में या लेह लद्दाख अगर आप जाएंगे तो आपको इस बाइक में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और तभी मैंने कहा कि जो उसके 5 गियर हैं ना, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि
क्योंकि ये बाइक ना बेसिकली क्रूजिंग के लिए बनाई गई है। सिटी में भी आप इसको राइड कर सकते हैं, लेकिन जो क्रूजिंग का जो मजा है ना इसमें, वो आपको काफी ज्यादा अलग ही आने वाला है। दोस्तों बात करें फीचर्स की, तो इसमें किस तरह के आपको फीचर मिलने वाले हैं, तो पहले फीचर की बात करें तो इसमें आपको इंजन कॉल मिलने वाला है। यानी जो PS4 वाली आती थी इसमें आपको इंजन कॉल नहीं मिलता था, लेकिन जो इसमें इंजन कॉल दिया गया है काफी ज्यादा प्रीमियम है और काफी ज्यादा देखने में शानदार लग रहा है। उसके अलावा दोस्तों आपको ड्यूल चैनल ABS मिलने वाला है, फुली LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा विद DRL, टेल लाइट भी आपकी LED ही रहने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें हेलोजिन इंडिकेटर की, तो हाँ जी दोस्तों जो इंडिकेटर हैं वो आपके हेलोजिन ही हैं। और उसके अलावा बात करें इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच मिलेगा, जो लगभग हर बाइक में ही आजकल दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको इसमें फुल्ली LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बड़ा है देखने में, लेकिन इसको चेंज नहीं किया गया। इसमें जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही मिलने वाली है बाइक के बारे में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के हिसाब से अगर वो ऐसा करती तो कहीं ना कहीं जो इसकी प्राइस है वो और इंक्रीज हो जाती है, और कंपनी सीरीज की जो बाइक है इसकी प्राइस को कहीं ना कहीं कम रखना चाहती है। दैट्स वाई इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स आपको नहीं दिए जा रहे हैं, यानी ये जो चीज़ है यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलने वाली है। देखिए दोस्तों पर्सनली मैं अगर आपसे बात करूँ तो इस बाइक को देखने के बाद शायद आपके मन में भी आता होगा कि ये बाइक तो यार काफ़ी ज़्यादा हैवी होगी, क्योंकि यार ऐसे ही बाइक बनाई गई है। लेकिन देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी देखने में ये मस्कुलर है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका वजन काफ़ी ज़्यादा लाइट है, यानी 153 किलो यानी 153 kg इसका टोटल वजन है, और काफ़ी ज़्यादा शानदार है। क्योंकि देखिए इस तरह की जो मस्कुलर बाइक्स होती हैं उनका जो वजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो इसका वजन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जिससे आपको मतलब राइडिंग करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं FZ की बाइक्स के बारे में। तो FZ की बाइक्स में ना एक चीज़ हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलती है कि जो उसका टायर है पीछे का वो काफ़ी ज़्यादा अलग है और काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है, और दैट्स वाई जो इसका इंडिया में इस बाइक का जो क्रेज़ है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। यानी जब ये मार्केट में आई थी पल्सर से और TVS अपाचे से इस बाइक में अलग क्या था, वो इसका पीछे का फैट टायर ही था। दैट्स वाई जो उसकी डिमांड है वो शुरू से काफ़ी ज़्यादा ही रही है, और यही कंपनी ने देखते हुए इसके फैट टायर को चेंज नहीं किया। यानी वही आपको जो फैट टायर उसमें पहले मिलता था वही फैट टायर आपको पीछे मिलने वाला है, और मेरे हिसाब से इसको चेंज करना भी ना काफ़ी ज़्यादा कंपनी की बेवकूफ़ी हुई हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं FZ की जो डिमांड है ना वो इसी चीज़ की वजह से है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपटीशन की, यानी देसी भाषा में बात करें टक्कर कौन कौन सी बाइक को देने वाली है। तो दोस्तों ये आपको डोमिना 250 हो गया, आपका KTM 250 है, हस्कवर्ना 250 और मोजो 300। यानी अब बात करें हस्कवर्ना और मोजो की, तो इन दोनों बाइक्स को तो हम साइड में निकाल लेते हैं, कई लोगों ने तो मोजो का नाम भी नहीं सुना होगा, तो सर्च कर लेना नेट में। लेकिन ये जो दोनों बाइक्स हैं इनको हम अलग रख लेते हैं, लेकिन अगर ये सीधे तौर पर कॉम्पिटिशन देगी वो डोमिना 250 और आपका KTM 250 को देगी, और इन दोनों बाइक्स में सबसे ज़्यादा रहेगी आपका डोमिना 250 का, क्योंकि देखिए फीचर्स वगैरह हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मैच करती है, तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं इस बाइक को टक्कर देगी। लेकिन देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो आपको FZS 25 ही लेनी चाहिए अगर आप क्रूजिंग के लिए ले रहे हैं, बेसिकली क्रूजिंग के लिए ले रहे हैं। अगर सिटी में ले रहे हैं तो कोई भी बाइक ले लीजिए, KTM ले लीजिए, डोमिना ले लीजिए, सारी बाइकें अच्छी हैं, लेकिन क्रूजिंग के लिए स्पेशली अगर आप कोई बाइक लेना चाहते हैं तो दोनों बाइक यानी KTM और बजाज के मुकाबले ये जो यामा की FZS 25 है वो ज़्यादा रिलायबल आपको साबित होएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसी के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो यामा की ये बाइक लेना चाहते हैं, ताकि उनको भी पता लगे कि इस बाइक में क्या क्या फीचर्स हैं और किन किन बाइक से इसका कॉम्पिटिशन है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।